तो आज हम जाने वाले हैं फुटारा। फुटारा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर लगा है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 40 वर्ष से ये वर्षों तक वायुसेना में सेवा देने वाला MI-8 हेलीकॉप्टर को यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। पहनने से पहले हेलमेट बहुत जरूरी है गाइस, जरूर पहनिए। जैसे तुम देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए फुटारा, लेकिन हमको शायद रास्ता भटक गए थे, तो इसलिए हम पूरा गोल घूम के आए। हमको बहुत टाइम लगा इधर पहुँचने में, तो फाइनली पहुँच ही गए इस एरोप्लेन के पास। तो देखिए ये एरोप्लेन हेलीकॉप्टर का वजन 12 टन है। इसकी और एक बात पता नहीं होंगे क्या, इस एरोप्लेन में एक VIP सैलून भी था। सवारी करने वाले भी VIP लोग इस्तेमाल करते थे, किया करते थे। आपको जान के अच्छा लगेगा कि इस हेलीकॉप्टर में पूर्व राष्ट्रपति विजय अब्दुल कलाम बैठे हैं इस हेलीकॉप्टर में। 30 फुट का है ये हेलीकॉप्टर, ना कि परंपरा के नूर उतार हुए हेलीकॉप्टरों को घर की ऐसी कई जगहों पर रखा जाता है जहाँ लोग इन्हें देख सके। तो कैसी लगी है जानकारी आपको? MI-8 हेलीकॉप्टर आपको सिर्फ फुटारा तालाबों में देखने के लिए मिलेगा। फुटारा तालाब है नागपुर में, कभी भी आप नागपुर में आए इसे जरूर देखें। हेलीकॉप्टर बुधवार को इधर लगाया गया था। हेलीकॉप्टर पे लगाया है ऊंचे ये हेलीकॉप्टर को। जैसे कि आप देख सकते हो ये हेलीकॉप्टर इस लेक और इस जगह की कितनी शान बढ़ा रहा है। ये वायुसेना का हेलीकॉप्टर इधर है, तो आप जब भी नागपुर आए जरूर देखें ये वायुसेना का हेलीकॉप्टर कितना प्यारा दिख रहा है वो भी लेक के सामने। यहाँ पे भी काम चल रहा है बैठने और फूड कोर्ट का काम हो गया है। देखो तुम देख सकते हो ये है फुटारा का हेलीकॉप्टर पे लगाया है। इससे कुछ सीखने लायक है, अभी बोल रहा है मैंने तो मास्क पहन लिया, आप भी मास्क पहन लीजिए। अपने ग्लास की रक्षा कर रहा है और आप अपनी रक्षा कीजिए। हमने तो मास्क पहन लिया, आपने भी मास्क पहने हैं बाहर जाने से पहले? बाहर जाए तो जरूर मास्क पहनिए। मैं ऐसा ही लग रहा है क्या, इसने भी मास्क पहन के ऐसा बाहर जा रहे हैं इसलिए? ऊपर गए थे अच्छा व्यू के लिए, लेकिन अच्छा व्यू तो ऊपर से मिला नहीं, तो इसलिए हम नीचे उतर रहे हैं अभी। तो के इधर बन रहा है बैठने की और फूड कोर्ट की जगह, 90% काम हो चुका है इधर। ये है यहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा। जैसे आप जैसे तुम देख सकते हो उधर का पूरे पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़ ऊपर तो फैक्ट्रियाँ भी लगता है। कितना कुछ बन रहा है नागपुर में, ये लेक नागपुर का बहुत पुराना लेक है। नागपुर के सारे जन जानते हैं लेक को, इतनी खूबसूरत जगह है। फिर उसके ऊपर अभी इस इधर तो हेलीकॉप्टर भी आएगा, तो और खूबसूरती निखर के आ गई इधर। इधर आए हम घूमने के लिए, लेकिन वहाँ बंद था, बैरिकेड लगा था, तो हमने आधा वीडियो बना लिए उधर का मस्त से। तभी हम घर जा रहे हैं, जा रहे घर तो दूर है, पर हमको पता है रास्ता मतलब भटक गए थे हम लोग, तो फिर हमको बहुत घूम के आए, बहुत दूर घूम के बहुत टाइम लगा इधर आने में। तो पता नहीं हम कहाँ से जाएंगे, शॉर्टकट रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि अब आके आधे से ज़्यादा रास्ते बंद पड़े, काम चल रहा है इधर बहुत सर, तो इसलिए चलो भाई।